इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रिजेश दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यव्रत महासभा उत्तर प्रदेश, नेता नहीं आजमगढ़ का बेटा। नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। माँ बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला, खुद अपनी माँ की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। पूरा मामला आजमगढ़ जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बाज बहादुर बरई टोला का है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त शशि प्रकाश उर्फ सोनू पुत्र गुलाब चंद्र विश्वकर्मा, जो अपनी पत्नी के रहते हुए अपनी सगी साली से शादी कर लिया, जबकि उसकी पत्नी से तीन छोटे छोटे बच्चे भी हैं। पहली पत्नी व बच्चों का पालन पोषण उसके माँ बाप करते थे। इसी बात को लेकर अभियुक्त शशि प्रकाश का उसके माँ से झगड़ा हो गया और उसने अपनी माँ को पटक दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए मामले की छानबीन शुरू की गई। तभी थाना कोतवाली पुलिस टीम को सूचना मिली कि अपनी माँ को मारने वाला अभियुक्त कालीनगंज रोड पर खड़ा है और कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना पर अमल करते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को हिरासत में ले लिया और विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। देखिए, सोनू विश्वकर्मा है, कोतवाली थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है और इसने अपनी बीवी के रहते हुए अपनी साली से, सगी साली से शादी कर ली थी। इसके पहली बीवी से तीन बच्चे भी हैं और इसके जो माँ बाप हैं वही इसकी पहली वाइफ को और उनके बच्चों को पाल रहे हैं। किसी बात को लेकर इसकी अपनी माँ से झगड़ा हुआ और इसने अपनी माँ को पटक दिया, जो इसकी माँ व्रत थी उन्हें पटक दिया और उस पटकने से उनके माँ के प्राण निकल गए। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसको गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। सर, नाराजगी इसी बात को लेकर थी? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से नाराजगी इसी बात को लेकर रही होगी क्योंकि वो मानवता के नाते जो इसकी पहली बीवी थी और उसके बच्चे थे उन्हें पाल परोस रहे थे वृद्ध होने के बावजूद भी, ये उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसी बात को लेकर किसी बात पर कहा सुनी हुई और उसने अपनी माँ को लेकर पटक दिया। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।